हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन को, सिंपल अर्थमेटिक मीन को, इसके तमाम तरीकों को। तमाम तरीकों से मेरा मतलब है तीन तरीके के बारे में। तीनों तरीके क्या हैं, कैसे, सबसे पहले किस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं ये आपको लास्ट क्लास तक सिखा चुकी हूँ, तीनों फार्मूले एक जगह पे हम कैसे लिख लें सो दैट कि फ्यूचर में जब हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर से मेरा मतलब है नियर फ्यूचर में जब हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो फटाफट से रिविज़न कर सकें। ये सब मैं आपको बतला चुकी हूँ। आज के क्लास में हम सिंपल अर्थमेटिक मीन का ही कैलकुलेशन करेंगे, बट इंडिविजुअल सीरीज़ में नहीं, डिस्क्रीट सीरीज़ में। और देखेंगे कि इस सीरीज़ में भी तीन तरीके वही रहने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बस देखना और जानना ये है कि तीनों तरीके में हम कौन कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला चेंज हो जाएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के कंपैरिजन में, डिस्क्रीट में फार्मूले बदलेंगे, फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये सारी बातें हम आज के क्लास से डिस्कस करते हैं। और चलिए शुरू कर लें आज के क्लास को, जहाँ पे बात वही पुरानी होगी बट केस अलग होगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को ही हम ग्रुप्ड डेटा के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्या है ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, एक छोटा सा रिमाइंडर उसका ले लेना सही रहेगा हमारे लिए, सो दैट की कैलकुलेशन हम अब कर रहे हैं इसी के बारे में। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ आखिर है क्या। चूँकि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या था, तो एक ऐसा सीरीज़ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ हम किसको कहेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में बेसिकली आपका क्या होता है कि इन दिस सीरीज़ देर आर फ्रिक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़। ये एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे इन दिस सीरीज़ फ्रिक्वेंसीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अदर वैल्यूज या टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए फ्रिक्वेंसीज जो है वो आपको इस तरह के डेटा में मिल जाती है। यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप में, आप लिख सकते हैं कि इस तरह के सीरीज़ में जो वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स आर, इस तरह के सीरीज़ में वैल्यूज़ वेरिएबल के अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन दिस ग्रुप, और जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल होते हैं। मतलब जो भी वैल्यूज इस तरह के सीरीज में होते हैं, इस तरह के ग्रुप्स में होंगे, उन ग्रुप्स के वैल्यूज को आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देकर के पहले बतला देती हूँ सीरीज के बारे में, सो दैट की वही बात है, कैलकुलेशन करना है हमको, किसका करना है, किस कंडीशन में करना है वो जानना ज़रूरी रहेगा। एक ऐसा सीरीज़ होता है ये जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कॉरेस्पॉन्ड होते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़,
और ये जो वैल्यूज होते हैं वेरिएबल्स के, इनको हम ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और ये सारे के सारे एग्जैक्ट मेजरेबल होते हैं। इन सबको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मार्क्स दिया हुआ है, ओके, और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स आपका दिया हुआ है, वैल्यूज डेटा दिया हुआ है, मान लो 10, 20, 30, 10 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर करा, तो मान लो 2 बच्चों ने, 20 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया, तो 5 बच्चों ने, 30 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर करा, 7 बच्चों ने। तो आप यहाँ पे देख लो, दिस इज द सीरीज ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, बिकॉज इन दिस सीरीज आप देख पा रहे हैं कि देयर आर वैल्यूज विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज। हर एक वैल्यू का अपना अपना फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, एंड दीज फ्रिक्वेंसीज, दीज वैल्यूज आर एग्जैक्टली मेजरेबल। एग्जैक्ट आप मेजर कर सकते हैं कि यस, 2 बच्चों का 10 मार्क है, 10 नंबर है, 5 बच्चों का 20 नंबर है, 7 बच्चों का 30 नंबर है। सो इस तरह की सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और ऐसे सीरीज में भी जब हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो हमने 3 मेथड डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे आएगा हमारा, वो होने वाला है डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। इस तरह के सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका जो हम अपनाएंगे वो है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो तरीका हम अपनाएंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड। सो शुरू कर लेते हैं हम इन तीनों ही मेथड से अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को। बात समझ में आ गई है डिस्क्रीट सीरीज क्या है। अब जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन होता है। पहला तरीका, चलते हैं हम डायरेक्ट मेथड की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हमने करना क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हर एक ऑब्जर्वेशंस की, वो मल्टीप्लाई करी जाती है वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन से, और जो वैल्यू आता है उसको हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जो बात मैंने कहा उसको अब हम ज़रा सिंबॉलिकली देख लें। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज दी हुई है विद द फ्रीक्वेंसीज, उसको क्या करा हमने, उसके उस ऑब्जर्वेशन को उसके फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यूज से हमने गुना कर दिया। तो एफ इंटू एक्स, वैल्यू दिया हुआ है एक्स, एफ फ्रीक्वेंसी, दोनों को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, उसका सम अप कर देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम n से डिनोट नहीं करेंगे, उसको हम सिग्मा f से डिनोट करेंगे, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, और मेथड चल रहा है डायरेक्ट मेथड, ओके। अब फॉर्मूला ये है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे हम बुक से देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन को मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बस बतलाती हूँ। तो मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। 100 बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया है, वो गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज मार्क्स निकाल लीजिए 100 बच्चों का, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं वो है 10,
20, 30, 40 and 50, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है वो है आपका 15, 10, 40, 40 और 20 and 50। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 100 बच्चे हैं, मार्क्स स्कोर किया और 100 बच्चों ने जो भी मार्क्स स्कोर करा है वो इस टेबल में दिया हुआ है, और इस टेबल से अब हमको क्या निकालना है, तो सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स। तो सल्यूशन करना हम शुरू करते हैं, और सल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी कैलकुलेशन जो आप करते हो तो कैलकुलेटिव पोर्शन में ना आपको पहले बनाने होते हैं कुछ शेड्यूल, कुछ टेबल, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। और चूंकि डायरेक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, तो हमें जानना है कि हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो बना रहे हैं वो सिर्फ 3 होंगे, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हम बनाएंगे। और आप देख लो कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा उसमें आपको लिख लेना है x का वैल्यू, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैल्यू, उसको आप नोट कर लो पहले कॉलम में एज वैल्यू x, ठीक है। फिर x का जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी जो गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, और इन वैल्यूज को क्वेश्चन में हम एज इट इज उतार लेंगे। 10 का कितना है फ्रीक्वेंसी 15, 20 का है 10, 30 का है 40, 40 का है 20 और 50 का है 15। उसके बाद क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको जो काम कर लेना है वो निकाल लेना है सिग्मा एफ, यानी आपको सम कर लेना है, आपको सिंपली सम करना है सारे बच्चों को, सॉरी जितना भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसको आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 0, 1 और 1, 2 एंड 2, 4 एंड 4, 8 और 1, 9 और 1, 10, तो टोटल हो गया 100। एक चीज़ और ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि 100 बच्चों के द्वारा मार्क्स जो स्कोर किया गया है वो दिया हुआ है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी था ना सम, दैट वाज ऑलरेडी गिवन, तो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कॉलम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, करना क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ गुना करते हैं, तो एफ एक्स निकालेंगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपली जो वैल्यू है दोनों का गुना करके यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखते जाएंगे। सो 10 × 15 वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 150। 20 × 10 वैल्यू हो जाएगा 200। 30 × 40 वैल्यू हो जाएगा 120, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 × 20 तो वैल्यू हो जाएगा 800। देन आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा 15 × 5 75 और एक 0, 750। ये हम लोगों ने कर लिया है सम, यहाँ पे एक और 0 लगेगा, 30 × 40, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, तो सम कर लेना है, सम कर लेना है आपको एफ एक्स का, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है और प्रोडक्ट आपने लिखा है उसका आपको सम कर लेना है। सिंपली जल्दी जल्दी हम चलो सम कर लेते हैं, 10, 7 और 1, 8 और 8, 16, 16 और 2, 18 और 2, 20 और 1, 21 और 2 और 1, 3। देख लीजिए टोटल वैल्यू जो आ गया है वो है 3100 एफ एक्स का सम। अब हम क्या करेंगे, तो स्टेप
जो है वो यहाँ पे हमने यही फॉलो करे हैं। स्टेप आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी आई गेस। यहाँ पे एफ एक्स का जो स्टेप्स था हम लोगों ने क्या क्या काम करा, तो देखो चलो मैं पहले में स्टेप आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स वगैरह को रिपीट नहीं करेंगे, सिंपली हम स्टेप्स को याद करते हुए कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया विथ फ्रीक्वेंसी एफ को, किससे, तो विद द वेरिएबल्स, विद द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यहाँ पे आप किससे डिनोट कर रहे हो, एक्स से। एंड क्या प्राप्त किया हम लोगों ने, वी गेट एफ एक्स, ये मिला हम लोगों को। फिर हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में क्या करा, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट क्या कर लिया हम लोगों ने, सम कर लिया, कैलकुलेट द सम ऑफ प्रोडक्ट, और हमको क्या मिल गया, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, दैट इज भी कर सकते हैं, मैं आपको बस स्टेप यहाँ पे समझा रही हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों को गुणा करा, फ्रीक्वेंसी को प्रोडक्ट के साथ, और लिख दिया। फिर हम लोगों ने उसका सम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, तो डिवाइड करना है हमको सिग्मा एफ से, किसको, तो बाय टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एफ एक्स को डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सिग्मा एफ। बस ये काम करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द स्टेप्स। नाउ अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, तो सिग्मा एफ एक्स है 3100, सिग्मा एफ है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 3100 अपॉन 100, 2020 कैंसिल हो गया, वैल्यू आपका आ गया 31। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही हम लोगों ने अपने पहले मेथड को कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ अ डायरेक्ट मेथड। और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बहुत ही सिंपल है ये, फॉर्मूले को बस याद रखना होता है आपको स्टैटिस्टिक्स में, और स्टेप्स याद रखने होते हैं। अब क्या करते हैं हम, तो एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट मेथड को यहाँ पे फिनिश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं अगले मेथड की तरफ मूव करेंगे, और अगला मेथड हमारा रहेगा शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का हो चुका है, फॉर्मूला मिटा रही हूँ मैं यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम एक और क्वेश्चन से इस मेथड को और भी ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट करें मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पे वेजेस गिवन है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। ठीक है, वेजेस में यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, और नंबर ऑफ वर्कर्स में है 3, 7, 12, 18, 10, 5।
चलो ये क्वेश्चन में है और इससे आपको कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करें और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले क्या सिखाया है कि सल्यूशन जब हम करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉलम्स तैयार कर लेते हैं, और डायरेक्ट मेथड में तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम्स हमने प्रिपेयर करना है एंड वी आर रेडी फॉर द कैलकुलेशन। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं वेजेस को, जिसको हम x से डिनोट करेंगे। कितना दिया हुआ है तो 100, देन 120 उतार लेना है सिंपली, 140, 160, 180 एंड 200। नेक्स्ट में आपका फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स से, फ्रीक्वेंसी को भी आप उतार लो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ। सो 3, 7, 12, 18, 10 एंड 5। फिर हमने क्या करना होता है, सम करना होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमको निकालना है, राइट। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो आप सबको जोड़ोगे, जोड़ लो 3 और 7, 10 और 12, 22 और 18, 40 और 10, 50 और 5, 55। तो टोटल हो जाएगा आपका 55। फिर नेक्स्ट कॉलम बनता है जिसमें f इंटू एक्स करते हैं, है ना। दिस इज द स्टेप नंबर 2। f इंटू एक्स करो, 100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 300, 12 इंटू 7 840, 12 इंटू 14 जब तुम करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, 140 करोगे तो वैल्यू आएगा 0861, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 16 इंटू 18 तो वैल्यू आ जाएगा 0882। फिर 180 इंटू 10 करेंगे तो आएगा वैल्यू 0081। फिर 200 इंटू 5 तो वैल्यू जाएगा 0001। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया है सम मल्टीप्लिकेशन। और अगला स्टेप है कि जो भी मल्टीप्लाई हमने किया है उसका हम निकाल लेंगे सम। तो आप अब सिंपली इन सबको जोड़ेंगे, सबको जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8800, ठीक है। वैल्यू जो आएगा वो सॉरी 8500 आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, एफ एक्स को जोड़ लिया, 4 and 8, 12 and 8, 20 का 0, 8 and 8, 16 and 8, 24 and 6, 30 and 3, 33 and 10 and 2, 35 का 5, हाथ में बच गया 3, 3 and 1, 4, 5, 6, 7 and 8, यस इट्स 8500 आ जाएगा। एंड नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करें क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस इज द फॉर्मूला। और अब आप नेक्स्ट स्टेप लिखें, पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड वी गेट, और देखो क्या मिलेगा। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 8500 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 55। अब आप इसको सिंपली कट कर दें, कैंसिल करो आप ऊपर नीचे, आप डिवाइड कर दें दोनों को तो आ जाएगा वैल्यू आपका कितना 5। फिर यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 1700 अपॉन 11 जब आप करोगे, इसको भाग दोगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आपका आ जाएगा 15.45।
यस, ये आपका आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। और देख लो कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अर्थमेटिक मीन को विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सो आपको करना ये है कि फार्मूला याद कर लेना है और फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है इसका आपको पता होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड के अगर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट मेथड पे आगे बढ़ जाएंगे जो कि होगा हमारा शॉर्टकट मेथड, बिकॉज डायरेक्ट मेथड हम ऑलमोस्ट समाप्त कर चुके हैं, हमें समझ में आ चुका है। होपफुली आप सबका काम है प्रैक्टिस करना घर पे और नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड से डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू।